바로 건? 명영 바로 क्या हुआ पार्वती? किसी ने हमें पुकारा है। इतनी रात गए, तुम्हें कौन पुकारेगा? ये तुम्हारा वहम है, जाओ जाकर सो जाओ। पांडवा स्टेशन से लाया हूं, पता ही नहीं रात में अचानक इसे क्या हो गया था। मुझे बताया भी नहीं मणिपुर में कहां जाना है। अरे मंदिरा सुनो तो, बाहर इतनी भीड़ कैसी? क्या पता मालकिन, रात से कोई परदेशी पड़ा है वहाँ पर, शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। पिछले जन्म में यहाँ से कोई मिट्टी ले गया होगा, सो लौटाने आया है बेचारा। ओह, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। इस आदमी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है महेंद्र बाबू, ये तो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। क्या हुआ पार्वती? देखिए दरोगा जी, शायद इन चिट्ठियों से ही कुछ पता चले। तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा है पार्वती, तो पूजा में खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। लगता है अभी भी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, तभी तो शरीर ही नहीं छोड़ता। दरोगा जी ने पहचान बताई है, कहते हैं कोई ताल सोनापुर का रहने वाला है। ताल सोनापुर, क्या नाम है? मैं तो नहीं जानती छोटी बहू, महेंद्र बाबू जानते हैं। फिर जाओ तो जरा महेंद्र को बुलाओ। जी अच्छा। मैंने कहा महेंद्र को बुलाओ। जी छोटी बहू। क्या बात है छोटी माँ, आपने हमें बुलाया? हाँ, वो बाहर आदमी कौन पड़ा है? आपके ही गांव का कोई देवदास मुखर्जी। कौन? देवदास मुखर्जी। कैसे जाना तुमने? जैसे दो चिट्ठियां मिली, एक किसी द्विजदास की। हाँ, उनके बड़े भाई का नाम है। और एक कोई कौशल्या। हाँ, उनकी माँ। हाथ पे नाम भी गुदा हुआ था। मेले में गुंदवा था, बारिश आ गई थी, अधूरा होगा। टूटा हुआ मोती का खार भी मिला था। हाँ, वो तो मुझे यहाँ। छोटी माँ, कहाँ जा रहे हो? छोटी माँ, अब तक उसे ले गए होंगे। महेंद्र, छोटी माँ रुकिए, छोटी माँ रुकिए, छोटी माँ रुकिए, रुकिए छोटी माँ, रुकिए छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, क्या हुआ छोटी माँ? क्या हो रहा है खबेरी में? कैसा शोर है ये? क्या हो
हुआ महेंद्र? माँ भाग किसी देवता से मिलने जा रही है। भागल हो गई वो, रुको उसे। पार्वती, पार्वती रुक जाओ। देखो ये हमेरी की चौखट बांध कर पाए। मासूम बचपन को, जहां सपना सजाया था, जहां बचपन बिताया था, जहां पेड़ों के साए में घरों का एक बनाया था।